आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करूंगी। ये काफी इजी होते हैं, खाने में भी काफी लाइट वेट होते हैं और ये घर पे काफी आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे बटर पॉपकॉर्न। तो बटर पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्न लिए हैं, आधा कटोरी कॉर्न है, जिसको मैंने बटर में अच्छे से भिगो दिया है और उसमें मैंने डाली है आधा चम्मच हल्दी और इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है और 10 मिनट के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ये अब रेडी है पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो गैस पे मैंने एक प्रेशर कुकर रख लिया है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर लूंगी। कुकर हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। तो कुकर हमारा गर्म हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसमें ये कॉर्न ऐड कर देंगे। अब हम इसको आधा मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे इस तरीके से। तो हमने इनको फ्राई कर लिया है, अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो मैंने यहाँ सीटी भी हटा दी है और ये मैंने रबर भी निकाल दिया। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे हम इनको इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो अभी 4 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गए हैं। तो आप इनको चाय के साथ, टी टाइम स्नैक्स में सर्व करें और मूवी के साथ एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।